नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे समस्तीपुर में राम जानकी जो महाविद्यालय वहाँ पढ़ाई भी प्रारंभ हो जाएगी, तो दरभंगा डीएमसीएच का क्या होगा, यहाँ से कितने लोग जाएंगे, ये लेकर के पूरी चर्चा जोर पर है। और खासकर यहाँ से कितने डॉक्टर जा सकते हैं, या फिर यहाँ जो सीट खाली है उसको कैसे भरा जाए, कितने डॉक्टर नए मिलते हैं। हमारे डॉक्टर के एन मिश्रा है प्रिंसिपल दरभंगा डीएमसीएच। यहाँ पर जो है क्या कोई वहाँ से डिसीजन है, कौन कौन यहाँ से लोग जा रहे हैं? देखिए, अभी तक सरकार के यहाँ से कोई सूचना हमें नहीं है कि डीएमसीएच के कितने लोग जाएंगे। सरकार ने अभी जो हमारे यहाँ से टर्म पूरा कर लिए थे, जिनका टेन्योर पूरा हो गया था और वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे सरकार के पास, उन्हें पोस्ट किया गया है एज ए मेडिकल ऑफिसर। सीनियर लोग यहाँ से कितने जाएंगे सरकार से अभी कोई हमें सूचना नहीं मिली है। और हमें लग रहा है कि यदि वही जाएंगे जो यहाँ पर हमारे स्टाफ पोस्ट पर हैं, जो प्रमोशन हुआ और सीट से जो ज़्यादा हो गए हैं उन्हें ही ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि हमें कॉलेज समस्तीपुर भी चलाना है, डीएमसीएच को भी चलाना है। तो यार, जनता के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, देन है कि वो इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और इतने डॉक्टर पैदा होंगे, उससे लोगों का इलाज में बहुत सहूलियत होगी, इसीलिए सारे लोग खुश हैं। कितने कमी हो जाएगी डॉक्टर, अभी किस किस विभाग में कितने डॉक्टर? देखिए, अभी तक यहाँ से कोई भी डॉक्टर नहीं गए हैं, इसलिए हमारे यहाँ जैसे है वो स्टेटस को है, जो पहले से डेफिशिएंसी है वही एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे भरने के लिए बराबर हम लोगों से बातचीत चल रही है। जैसे अभी प्रोफेसर बनने के बाद कुछ एसोसिएट की कमी हुई है, तो अभी सरकार के लेवल पर है कि असिस्टेंट को प्रमोट करके एसोसिएट बना दिया जाए, और फिर डीपीएससी को डायरेक्शन दिया गया है कि वह असिस्टेंट की पोस्टिंग कर दे। तो यदि यह तीनों चीज़ हो जाता है तो हम समझते हैं कि लगभग पोस्ट भर जाएंगे। अच्छा, ये सर्जरी विभाग का जो उद्घाटन हुआ था उस समय ही 15 दिन के बाद, 2 महीना लगभग पूरे होने जा रहे हैं, क्या अभी तक विभाग सौंपा नहीं है, या फिर स्टाफ की वो नहीं है? स्टाफ की पोस्टिंग तो चूँकि हमारे यहाँ के लेवल से होना है, इसलिए वो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हमारा स्टाफ जो ऑलरेडी यहाँ पर इमरजेंसी में काम कर रहा है सर्जरी में, उसी को वहाँ शिफ्ट करना है। कुछ लोगों की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, लेकिन जहाँ तक डीएमआईसीएल जो उसके कंस्ट्रक्शन का अथॉरिटी है उनके जिम्मा में जो काम है वह पूरा करके हमें नहीं दिए हैं, और जब तक वह पूरा नहीं होता है, खास करके स्टरलाइजेशन का, बाथरूम का, पानी का, ये जो बेसिक नीड्स है वो जब पूरा हो जाएंगे तभी हम मरीज को वहाँ रख पाएंगे। इसलिए हम वेट कर रहे हैं, कब तक वे लोग 15 दिन बोल रहे हैं कि 15 दिन में हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि जैसे वो लोग लगे हुए हैं कर दें। अच्छा, ये अब और भी जो शिलान्यास होने थे यहाँ पर उसका तो हो चुका है, डीएमसीएच का जो वो बाहर का कोई चौक है उसका, तो उसमें जो 2100 बेड का बना था उसमें क्या प्रगति है? मुझे जैसा खबर हुआ है कि उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर फाइनल नहीं हुआ है और इसीलिए काम शुरू नहीं हो पा रहा है। तो कब तक इसका है? क्योंकि मेरे लेवल की बात नहीं है, सरकार के लेवल की है। पैसा तो पहले ही आ गया था, आवंटन हो गया है, इस मद में सरकार ने पैसा आवंटन कर चुके हैं, टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने पर यहाँ काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल बार बार लोग करेंगे, इमरजेंसी का जो स्वरूप है वो इमरजेंसी का स्वरूप लगने का है, क्या उसका भी कायाकल्प हो जाएगा, उसमें भी सारी सुविधाएं दी जाएगी, या फिर उसका जुलम दिया उसको शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, अभी फिलहाल में जो सर्जरी बिल्डिंग हमारा हैदराबाद हो जाएगा, तो उसमें जो सर्जिकल इमरजेंसी है अभी तुरंत में शिफ्ट हो जाएगा, सर्जिकल एंड ऑर्थो, तो अब सिर्फ वहाँ पर हमारा मेडिसिन INC बच जाएंगे, तो ऐसे भी हमें जगह तब पर्याप्त हो जाएगी। और जब नया बिल्डिंग बनेगा जो 2100 बेड का जब हॉस्पिटल हमारा हो जाएगा, तब उसमें तो एम्पल जगह होगा, क्योंकि हमने पूरा कर्पूरी चौक के उस साइड हॉस्पिटल प्रीमिसेस के लिए ही नक्शा बनवाया। तो हम बता दें, कई ऐसे सवाल थे जिसे आज नगर विधायक संजय सराबी ने कहा कि एक बार वो फिर जाएंगे, क्योंकि 15 दिन का कहा गया था, लेकिन अभी 2 महीना पूरे होने जाने हैं, लेकिन लगातार आरोप भी लग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दरभंगा डीएमसीएच को एक नया विकसित करने के लिए ये सुपर स्पेशलिटी में कुछ कमियां थी, जिसे हम बार बार उनको हाईस्कूल लिख के दे रहे हैं कि क्या है, और हेड को दे दिए हैं कि आप अपना वहाँ इंस्पेक्शन करके जो जो आपकी कमी थी वो हमें बता दें कि आपका वो पूरा हो गया, तभी मैं उनका हैंड ओवर लूँगा। और अभी तक हमें सारे विभाग से यह नहीं मिला है रिपोर्ट कि सारा कमी जो थी वो पूरा हो गया या नहीं हुआ, वो 15 दिन का टाइम दिए हुए थे उनको। तो यार, नल का हो गया है, अभी सांसद भी हमें फ़ोन किए थे कि नल आपका तैयार हो गया है और आप हैंड ओवर ले लें, आज का हमने उन्हें टाइम भी दिया है कि आ जाइए, हम हैंड ओवर ले लेते हैं।
नहीं सिर्फ नल का पानी समस्या का पार्किंग बना रहे हैं, बीच में शायद उसका काम रुका हुआ है, शायद उसके ठेकेदार नहीं है, इसलिए हमने क्वेरी किया था कि काम क्यों रुक गया, तो ठेकेदार अभी नहीं है, आ रहा है, फिर काम चालू हो गया। अच्छा जब वो आप रेली ले जाए तो उसमें जो विभाग आपका चल रहा है रेडियोलॉजी चल रहा है उस सब कैसे शिफ्ट कीजिएगा? चलते रहेगा, रेडियोलॉजी अपनी जगह पर चल रहा है, पैथोलॉजी अपने जगह पर चल रहा है, इसलिए उससे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने जा रहा है। हमें जो विभाग चलाना है, क्योंकि मेरे पास अभी दो ही डॉक्टर हैं, कार्डियो एंड न्यूरो, वो दोनों विभाग को हम चालू करेंगे और उनका फ्लोर खाली है। तो देखते रहिए बिहार में कांग्रेस, क्योंकि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता जानना चाहती थी कि आखिर ये सर्जरी वार्ड कब होगा, 21 बेड वाला वो कब होगा, इन तमाम बातों को लेकर के डॉक्टर की कमी हो रही है डीएमसीएच में, तो इस सारे बातों को बहुत से अफवाह थी, यहाँ से बहुत को ट्रांसफर किया जा रहा है समस्तीपुर। इन तमाम बातों के लिए डॉक्टर के एन मिश्रा प्रिंसिपल हमारे साथ थे। देखते रहिए बिहार में कांग्रेस, धन्यवाद।